नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं तीन पट्टी चौराहे पर, ये शहर का एक मुख्य चौराहा है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहां पर ट्रैफिक लाइट तो जल रही है, लेकिन ट्रैफिक लाइट की टाइमिंग का कोई समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कितने सेकंड के बाद सिग्नल ग्रीन होगा, रेड होगा या ऑरेंज होगा, जो शासन प्रशासन की एक बहुत महत्वपूर्ण कमी दिखाई दे रही है यहाँ पर। और आपको एक बार फिर से हम दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए सामने, जस्ट हमारे पीछे साइड देखिए आप, यहाँ पर सिग्नल तो रेड दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमें ये दिखाई नहीं दे रहा है कि आखिर कितने सेकंड के बाद ये सिग्नल ग्रीन होने वाला है। और सिग्नल ग्रीन है तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कितने समय के बाद ये सिग्नल रेड हो जाएगा। ऐसे में शहरवासियों के साथ, उनकी जान के साथ, ट्रैफिक सिग्नल के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए निश्चित तौर पर कि किस तरीके से शहरवासी आते हैं और ट्रैफिक सिग्नल का पालन करते हैं और जो यातायात नियमों का पालन करना भी चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बाकी तीन तरफ का जो सिग्नल है वहाँ पे टाइमिंग दिखाई दे रही है, लेकिन जो मेरे पीछे साइड आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल पे लाइट ही नहीं है। कैसे में कोई भी ट्रैवल करने वाला व्यक्ति कैसे ये पता कर पाएगा कि कब सिग्नल रेड होने वाला है या कब सिग्नल ग्रीन होने वाला है। ऐसे में शासन प्रशासन जानबूझ करके दुर्घटनाओं को आमंत्रित करने का काम कर रहा है। और द खबरदार न्यूज की तरफ से हम शासन प्रशासन से आग्रह करते हैं कि इस सिग्नल को जल्द से जल्द सुधार किया जाना चाहिए ताकि यात्री समय को ध्यान में रख करके ट्रैफिक सिग्नल पर रुक सके या फिर आगे बढ़ सके, क्योंकि अचानक से ट्रैफिक सिग्नल कहीं रेड हो जाता है, कहीं ग्रीन हो जाता है, जिसकी वजह से किसी भी समय कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। और इसका जिम्मेदार पूरी तरीके से प्रशासनिक अमला होगा। एक बार फिर से हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द बनेगा और यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखेगा शासन प्रशासन। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। देखिए बच्चे ने जो पढ़ाई करी है, कम से कम उनसे तो बताइए जबरन ट्रैफिक क्या होती है। सड़क पर बनी हुई है सफेद और लाल पट्टी जो बनी है, रोड इससे क्रॉस की जाती है।